तो आप कब आ रहे हो लौट के? कल ही आ जाएंगे ना सर वापस। अच्छा अच्छा, तो डॉली भाई वाला प्लान जो है वो कैंसिल हो गया, तो आप लोग मतलब शादी होने के बाद दीक्षा भूमि आए हो? यस। ऐसा नॉर्मल होता है यहाँ पर? ये देखो आज जो है रजत जो है एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाल रहा है, कितने लोग दीक्षा भूमि मिलने आ रहे हैं। ठीक है रजत, नहीं कम ऑन रजत, कम ऑन। नहीं नहीं नहीं, डालो डालो डालो, मैं डाल दूंगा। तो हम लोग जा रहे हैं दीक्षा भूमि, जा रहे हैं ना? हाँ दीक्षा भूमि जा रहे हैं। दिल्ली पहुँच गए? हाँ दिल्ली पहुँच गए। डॉली भाई कैसे हो? अरे रख दिया, बोलना था आपका, करो फिर से। सुनो ना, अपने एक बड़े भैया है तथागत लाइव करके। हेलो। हाँ डॉली भाई कैसे हो? बोलिए भैया। मैं अंजुल बोल रहा हूँ तथागत लाइव से। मैं एक्चुअली आया था अभी, जो अवार्ड शो में आए थे ना, तो उसमें हम मिले भी थे, लेकिन मैं सोच रहा था आज आपके साथ शूट करूँ, लेकिन आप दिल्ली चले गए। मैं दिल्ली नहीं सर अभी। तो आप कब आ रहे हो लौट के? कल ही आ जाएंगे ना सर वापस। अच्छा अच्छा, तो अभी जो है वो डॉली भाई वाला प्लान जो है वो कैंसिल हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर नागलोक पर आए हैं, ये बुद्ध का जो स्टैचू है। यहाँ कितनी बार आ चुके हो आप? ये मेरा सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम है नागलोक पे? यस। और आप तो यहीं पर रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ। और बहुत गजब का कमरा है आपका। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, कभी आप नागलोक आइए। बिल्कुल, बोलिए कि अमित से मिलना है, मैं पूरा कैंपस आपको विजिट कर रहा हूँ। गजब, मतलब मैं आपके रूम का फैन हो गया हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि अपना रूम भी कुछ ऐसा ही बनाऊं। यस यस। 1 2 3 जय श्री नमो बुद्धाय। इसकी ना रील काट के आप मुझे वो? रील नहीं काटता मैं वो टिकटॉकर नहीं हूँ। दे दूंगा, मजाक कर रहा हूँ यार, क्यों टेंशन ले रहा है? टिकटॉक बंद हो गया ना? नहीं आप ना उसमें कोलैब करके भेजिएगा मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खतरनाक मिस्टीरियस जगह पर जा रहे हैं, आवाज भी गूंज रही है। यहाँ पर सिखाया जाता है, यहाँ पर है देखिए एक बुद्धा की वाइट स्टैचू। लुक देखिए कितना अमेजिंग है। वाह यार, पूरा पेड़ है। यहाँ जब बारिश होती होगी तो एक अलग ही माहौल होता होगा। यहाँ पे सुंदर लगता है जब बारिश होती है। ऐसा लग रहा है नेचर में ही बैठे हैं हम लोग। छुपी हुई जगह कहाँ से लाए आप? कब बनाई ये? खासकर जो डीप मेडिटेशन करने वाले लोग हैं ज़्यादातर, उन्हीं के लिए है। और इधर 6 दिन के कुछ रिट्रीट भी होते हैं, आप लोग भी उसमें आ सकते हैं। करो कॉर्पस भाभी, मैंने अंजुल भाई को सजेशन दिया है कि कॉर्पस भाभी को यहाँ अपना लोग भेजिए, उनको बहुत अच्छा लग गया। और इस पर उन्होंने मुझसे कहा कि इस बात को वीडियो में नहीं बोल देना, वरना लड़ाई हो जाएगी। तो यहाँ पर जो चीजें दिखने वाली हैं वो बेशकीमती हैं। ये ओरिजिनल पेंटिंग है? ओहो ओहो, तो आप देखोगे यहाँ पर ऊपर जो है सांची स्तूप है, और यहाँ पर एक बुद्धा का स्टैचू है जो चिंचोली में रखी हुई है। ये दोनों शेर रखे हुए हैं वहाँ पर, और यहाँ पर बाबा साहेब हैं और बाबा साहेब की वाइफ हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ समता सैनिक जो हैं वो खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ लोग दिख रहे हैं कितने सारे। और यहाँ पे देखो भिक्षु संघ है, और ये मुझे पता नहीं टाई कोट पहन के जो खड़ बैठा बंदा, ये शायद चिटनेस हो सकते हैं ना, ये चश्मा उन्हीं वैसा ही गेटअप लग रहा है उनका। और यहाँ पे देखो कितनी भीड़ है, यहाँ पर बाकायदा जो है वो बनाया गया है, स्पीकर्स लगाए गए हैं, और यहाँ पर पुलिस वाले की व्यवस्था लगी हुई है। और यहाँ कुछ देखिए नीली टोपी के पहनकर कुछ लोग हैं, लोग बाग हैं। ये बहुत ही शानदार, और ये इन्होंने बनाई है 2004 में। बहुत शानदार है, मजा आ गया देखकर, बहुत शानदार। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, आपने इतना सारा जानकारी दी नागलोक के बारे में। धन्यवाद आपका। मुझे भी काफी, मैं फिर आऊंगा आपसे मिलने। यही मिलोगे ना? बिल्कुल यही मिलूंगा। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। फाइनली नागलोक लीव कर रहे हैं और जा रहे हैं दीक्षा भूमि की तरफ। आज प्लान तो बहुत सारे थे, लेकिन एक के बाद वो कैंसिल होते चले गए। लेकिन कोई बात नहीं, नागपुर फिर आएंगे। लेकिन जितना कुछ भी हम लोगों ने यहाँ पर लोगों से मिले ना, उसमें मजा आ गया। देखो ये नागलोक के स्टूडेंट है सारे। यहाँ कैसा लगता है? अच्छा लगता है, काफी अच्छा लगता है। सब लोग कहाँ कहाँ से हैं वैसे?
छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, एमपी से कोई नहीं है, गुजरात से, अरे हरियाणा, एमपी से एक लड़की है सब, लेकिन वो खाने गई। अच्छा अच्छा, तो आप सब लोग जो है वो तथागत लाइव देखते हो? यस सर, हम देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि बुद्धिज्म में बॉस आपको बिना मतलब में जो है जोड़ा जा रहा है, ऐसा यहाँ पे कुछ मिलता है पढ़ने को? नहीं नहीं, अगर मॉडर्न वार में बोला जाए तो बाबा साहेब नहीं होते तो शायद बुद्धिज्म को भारत में फिर से हम देख पाते। करेक्ट, नहीं देख पाते, नहीं देख पाते। करेक्ट, तो बाबा साहब जो है मॉडर्न वार के बुद्धिज्म के फाउंडर है, इसीलिए उनको बोधिसत्व कहा जाता है। चलो ठीक है ना भाई, जय भीम, बाय बाय, गुड नाइट। नहीं, ध्यान रखें अपना। तो अभी हम लोग बस निकल गए हैं और हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं, हमको 1 बजे पहुंच जाना चाहिए था नागलोक। तो हमारा कैब आ गया है 1080, इनको ओटीपी बताना पड़ेगा तभी आगे जाएंगे। एसी चालू कर लेना भाई। दीक्षा भूमि में आपको पता है वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ पे अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर जो है, उन्होंने दीक्षा दी थी, अक्टूबर में। तो यहाँ पर 14 अक्टूबर को ज्यादा तेज मनाया जाता है या फिर जो है दशहरे वाले दिन ज्यादा मनाया जाता है? दशहरे वाले दिन ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, बाहर के लोग ज्यादा आते हैं, बाहर के लोग, ऑल इंडिया के आते लोग। सौरभ अबेंकर को जानते हो? नहीं ना सर। वो गाना वाना गाता है जो असल में आया था, रैपिंग करता है, बुद्धा और बाबा साहब का नाम लेता है, नहीं जानते? मैंने वो गाना सुना होगा, देखा ही नहीं असल। अच्छा 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 अच्छा, अब उन उतना काम में बिजी रहते ना सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये कारण है, देख रहे हो, काम में हमारा बंदे के पास समय ही नहीं है, वो काम में इतना व्यस्त होता है तो वो ऑनलाइन इंटरनेट क्या चलाएगा, यूट्यूब क्या देखेगा, इतना समय ही नहीं होता है। कल वो लड़के का यहाँ परफॉर्मेंस था, उसने बहुत धूम मचा दिया था, भीड़ इकट्ठा हो गया था बहुत। दो दो मोबाइल होने के बाद में भी मेरे को कम समय मिलता मोबाइल देखने। सही बात है, सही बात है। क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम मेघश्याम ढोके है सर। मेघश्याम ढोके, अच्छा लगा आपसे मिलकर। अब हमको जो है दीक्षा भूमि जाना है, लेकिन बारिश इतनी खतरनाक हो रही है, अगर बाहर निकले वो देखो सीन। तो देखो ये दीक्षा भूमि है और यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है, मतलब ये व्यू देखो कितना शानदार है। पहली बार आ रहे हो? नहीं, पहली बार आ रहे हो? नहीं नहीं, मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। पहली बार आ रहे हो? बहुत छोटे में आया था, तो ये ऐसा ही बना था। जब मैं छठवीं क्लास में था तब आया था। आए थे यहाँ पर? जाओगे सबसे पहले संविधान का जो प्रस्तावना है वो यहाँ पर आपको मिलेगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये सारी 22 प्रतिज्ञाएं इंग्लिश। तो यहाँ का व्यू देखो यार, क्या गजब आ रहा है, बहुत शानदार लग रहा है। रिगार्ड ब्रह्मा विष्णु एंड महेश, बस यही कंट्रोवर्सी हो जाएगी। नॉट वर्शिप देम, ये नागपुर में कंट्रोवर्सी नहीं होती। नागपुर में नहीं होगी ना, वीडियो पर होगी। और यहाँ पर देखो ये बोधि वृक्ष है, ये सम्राट मिले हमको तथागत लाइव। देखिए मेरे को हरे वाल से बचाने, मतलब इधर जहाँ बाबा साहब का स्टैचू लगा है वहाँ पर जो है वही बाबा साहब जो है खड़े होकर उन्होंने स्टेज लगा था। स्टेज का लगा था, वहाँ एंट्री हुई थी उनकी, वहाँ पहले बार रुके और वहाँ से अंदर होके अंदर गए, वहाँ स्टेज था, वहाँ उन्होंने स्टेज जो है वो वही है जहाँ पर ये स्तूपा बना है, जो बड़ा था उचला उचला है तथागत का मूर्ति वगैरह। क्या नाम आपका? क्या नाम हुआ? संजय सोमकुमार। ठीक, अच्छा लगा आपसे मिलकर। जय भीम। तो ये तीनों जो है ना यूट्यूबर है, इंस्टाग्रामर हैं और कंटेंट क्रिएटर हैं, इनको तो जानते हो, बहुत बार हमारे ब्लॉग में आए, ये पहली बार आए हैं दोनों ब्लॉग में, है ना हितेश और मनीष। एक ही चैनल अलग अलग है ना तुम्हारा? एक साथ भी करते हैं अलग। कास्ट वाला किस में चलाते हो? इंडिया मेरा है ना, वही बोल रहा हूँ ना मैं, मनीष भाई के साथ भी काम करता हूं। अरे तो अभी तो बताओ ना कि दो अलग अलग चैनल है, आउटकास्ट और बहुजन लाइव, नहीं दलित लाइव मैटर, दलित लाइव नहीं, दलित लाइव मैटर, दलित लाइव, दलित दलित होता है, बहुजन बहुजन होता है, तो इट्स बहुजन लाइव मैटर। ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है पूरा गीला है, पूरा पैर वगैरह गीला हो जाएगा, शूज गीला हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक आए तो अंदर जाते हुए कैसे रोक सकते हैं अपने आप को? तो हम लोग हाल फिलहाल जो है अंदर एंट्री ले रहे हैं, लेकिन अंदर भी जो है ना वो अलाउड नहीं है, अंदर भी अब वीडियोग्राफी वगैरह। एक्सक्यूज मी, कुछ पूछ, आप लोगों की शादी हुई है? yes, तो आप लोग यहाँ दीक्षा भूमि में आए हैं? वीडियो देखते देखते हैं आप? yes, yes.
तो आप लोग मतलब यहाँ पर खास तौर पे यहाँ आए हो? आप नागपुर के ही हो? नहीं, अमरावती। अमरावती के हो? तो आप लोग मतलब शादी होने के बाद दीक्षा भूमि आए हो? यस। तो ऐसा नॉर्मल होता है यहाँ पर? सभी लोग आते हैं? इटा से हुई, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से? अच्छा, हमारे इलाके के हैं आप? इलाके के। अरे वाह वाह, क्या बात है। मतलब ऐसा कोई देखा नहीं, हमारे यहाँ तो होता ही नहीं, आपको पता ही है। तो आप लोग यहाँ क्यों आए खास तौर पे? अमरावती भी एमपी में आता है क्या? वो महाराष्ट्र में आता है? अच्छा, महाराष्ट्र में। अमरावती इटारसी है, भोपाल के पास। इटारसी से हम लोग अभी आए, दर्शन लेके अभी अमरावती जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं शूट कर रहा हूँ ना, चैनल पर डालूंगा, चैनल पर डालूंगा इसको। तो मैं बड़ा अनोखा दिखा था, ऐसा कल्चरल चेंज है ना, बहुत मुश्किल से। ऐसे आमतौर पर अपन लोग ये देखते ना कि कहीं बंदे बंदे जा रहे हैं, तो आप लोग फिर यहाँ पर क्यों आए? यहाँ पे तो दर्शन लेना तो जरूरी है ना, शरीर के बाद। मतलब क्यों बाबा साहब को दर्शन क्यों लेना? मतलब आप देखिए ना, एमपी में तो नहीं होता ना ये सब, तो क्यों लेना है? वो मैं आप लोग अगर बताएंगे तो बस और भी लोगों को पता चलेगा और वो लोग भी ऐसा करेंगे। हमें तो पता है, वो सवाल इसलिए पूछा कि लोगों को तो पता चले कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये कितने महत्वपूर्ण है हम लोगों की जिंदगी में। इनका मतलब बहुत है ना, इनकी वजह से तो हम सब रहे नहीं, तो इनकी वजह से तो हम नहीं है ना, पूरा जिंदगी हमारी बदल गई इन्होंने, इनकी वजह से तो है सब। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्या नाम है आपका? नीतीश। आपका क्या नाम है? आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। आप जीवन में इसी तरह से बाबा साहब के बारे में अपने परिवार में अपने बच्चों को भी बताएं, जब बच्चे हों तो उनको भी ऐसी शिक्षा दें आप। बधाई हो आप। ठीक, तो ये इस तरह से जो है ना चक फेरे ले रहे हैं चारों तरफ, और अगर आप यहाँ देखोगे ना तो ये जो सिल्वर है ना, इसमें बाबा साहब की अस्थियाँ हैं, और सामने वहाँ पर जो है वो बुद्ध की एक बहुत शानदार प्रतिमा है, बगल में एक और प्रतिमा है, और सेंटर में बाबा साहब की अस्थियाँ हैं। तो आप देख रहे हो कितना चेंज है यार, मतलब ये सब देखने को नहीं मिलता। बाबा साहब का इस साथ यहाँ पर आया, उसको परिक्रमा ले रहे हैं, और उसके बाद जो है ये अपने घर जाएंगे, खास तौर पे आए यहाँ पर। चलिए फिर मिलेंगे। अच्छा, ये देखो एक और सब्सक्राइबर मिले। नागपुर लोकल के हो आप? नहीं नहीं, मैं बहुत दूर से वाशिंगटन। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। और कैसे हो सब लोग? बस बस बस, फोटो मत खींचो बस, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ बस आप फिर हमारे ब्लॉग में आ सकते हैं। आप फोटो नहीं खींचिए प्लीज, बहुत भीड़ हो गई यहाँ पर, बहुत भीड़ हो गई, पता भी नहीं चलेगा। बस ये इतना जनता जो प्यार देती है ना, यही दिल में बर्दाश्त नहीं हो पाता, मतलब क्या बताऊं मैं आप लोग। चलो भूख लग रही है भाई साहब, ये जगह पर आकर सच में बहुत सुकून मिला। अंदर जाकर जो देखने को मिला वो भी गजब था, कि कुछ लोग शादी कर रहे थे, कपल शादी करके यहाँ पर आकर जो है बाबा साहब के दर्शन कर रहा था। ये कल्चर रेवोल्यूशन है जो यहाँ नागपुर में देखने को मिलता है, जो हमारे एमपी में नहीं मिलता है। लोगों का पूरा मोहल्ला होता है, उस मोहल्ले में एक बुधबिहार होता है, उसके चारों तरफ बहुजनों के घर होते हैं। ये सब एमपी तक आते आते मुझे लगता है काफी टाइम लग जाएगा, कम से कम 25-30 साल। क्या व्यू है यहाँ से यार, क्या व्यू है, देखो जरा। हम लोग गरीब ब्लॉगर हैं, घूमते घूमते देखो आजाद इंडिया पहुंच गए, आवाज इंडिया। यहाँ से नहीं है, इधर से, इधर आ जाओ। आए हो क्या पहले कभी? नहीं आए ना, तो आओ मैं दिखाऊं रास्ता। नहीं आए ना, चलो। ये मयूरा की स्कूटी खड़ी हुई है। अच्छा, आओ मिलते हैं, मयूरा से ही मिलते हैं। लास्ट टाइम हमारा यहाँ पे फूलों से स्वागत हुआ था, लेकिन इस बार फूल वाला व्यक्ति है ही नहीं, तो स्वागत कैसे होगा हमारा। चलो 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 चलो, चलो। अपना ही है यार, अपना ही है। कुछ शूट चल रहा है, उनका स्टूडियो है। आओ बैग रखें। ये देखिए हम फिर से आ गए हैं अपने पुराने प्रिय आवाज इंडिया के स्टूडियो पे। ये स्टूडियो ऐसे ही होते हैं। Oh my God! Oh, wonderful! Wonderful! 10 lakh.
हाँ मैं बताता हूँ ना तेरे को, मैं देखा कोई एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब यहाँ पे बैठा हर शख्स चाहता है कि उसके घर में ही लगे लगे चाहता है ना। और वाह क्या शानदार, मतलब बहुजन मीडिया जो है, आवाज इंडिया पहला जो है हो गया सब्सक्राइबर, बस ये बहुत जल्दी एक करोड़ तक पहुंचे और फिर डायमंड बटन आया हमारे पास। देश है, देश की जनता जो है वो ऐसे बहुजन पत्रकार, बहुजन चैनल जो है, बहुजन मीडिया को बढ़ावा दे। जो लेके मत जाना घर, लेकिन बिल्कुल मैं लेके नहीं जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि मेरे घर पे भी ऐसा आए किसी टाइम पे, जो है हम इतना मेहनत करेंगे। अभी हमारे नहीं आया, आएगा साथ ही आएगा सबका आएगा। मैं सबका हूँ कि हर एक बहुजन तेरा फैजल सबका हिस्सा। और समाज जो है देखना पसंद करता है कि ये हमारा कंटेंट है, वो रिलेट कर पाता है। वैसे 150 साल पूरे हुए हैं इंडिया और थाईलैंड के फ्रेंडशिप को लेकर एज बुद्धिस्ट अलाइज। अच्छा, तो इस बात को थाईलैंड सेलिब्रेट कर रहा है, इंडिया में बहुत कम लोगों को पता है। तो उसी सिलसिले में यहाँ से काफी सारे लोग थाईलैंड गए थे। तो वो जब दो कल्चर्स, दो कंट्री के लेकिन बुद्धिस्ट कल्चर्स मिलते हैं तो क्या होता है, कैसे प्रोग्राम्स है, कैसे ट्रेनिंग्स है, इसको मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। अरे वाह, तो वो कहाँ देख सकते हैं? तो ये अभी मैंने आपका इंस्टाग्राम हैंडल है चीनी कम, हाँ, लेकिन वो मेरा पर्सनल है, तो उसमें नहीं डाला, चीजें डालती नहीं हूँ, उसको मैंने पर्सनल के लिए की तरह रखा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ये जो आपने शूट किया वो कहाँ देख सकते हैं? ये आवाज इंडिया में आना चाहिए। आज पूरा दिन जो हमारा ऐसे भागते दौड़ते निकल गया है और मजा आया, मतलब आवाज इंडिया पे शिक्षा भूमि ये सब नागपुर में ही है। ये बैग कहीं और रखते हैं क्या? भाई रखते हैं। तो देखो नागपुर आए हैं और ब्लू बर्ड के जो ओनर्स हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जैसे कि आपने ब्लू बर्ड के बारे में बताया, तो ब्लू बर्ड क्या चीज है? शर्ट खरीद रहे हो, मोबाइल खरीद रहे हो, कोई भी चीज खरीद रहे हो, तो अपने कम्युनिटी में इस इंसान के पास से खरीदिए, ताकि अगर बिजनेस कम्युनिटी में होगा तो कम्युनिटी का ग्रोथ होगा। लेकिन आप रीच आउट कैसे करते हैं नए लोगों को कि पता चले? तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक ऐप बनाई जो वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी बैठा हुआ, दुनिया में कहीं पे भी बैठा हुआ बंदा गूगल पे प्ले स्टोर पे जाएगा, तो वहाँ पे ब्लू स्पेस बर्ड्स ऐसा टाइप करेगा तो एक ऐप आएगी, उसको डाउनलोड करके वो उसमें पूरा लिस्टिंग देख सकता है कि कितने लोगों का कितने लोग कनेक्ट हो चुके हैं। भाई खाना वाना हमारा हो गया है, अब हमको जाना है ट्रेन पकड़ने के लिए। मिलते हैं फिर। बाय बाय एंजल भाई, बहुत अच्छा लगा। चलो भाई फिर मिलते हैं, कुछ प्लान बनाओ। यस यस डेफिनेटली, और सम्राटों को भी जय भीम। यस जय भीम, जय भीम, जय भीम। चलो 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 भाई, चलो चलो बैग वो खुलवा, यही रख लेते हैं। चलो ठीक है, बाय फिर मिलते हैं। बाय सर, बाय। ये जा रहे हैं इंदौर, मैं जाऊंगा ग्वालियर। बाय। देख रहे हो मैं इसकी बात कर रहा था, ये जो वॉल है, वॉल ऑफ फेम, मतलब कि आपका बाबा साहब का जो फोटो दिख रहा है आपको ऊपर, ये ऊपर, ये जो पूरा वॉल है ना, ये जो है पूरा का पूरा, ये नागपुर का जो है रेलवे स्टेशन है, इसका मेन गेट है, उसके ऊपर एक वॉच है और वॉच के नीचे है बाबा साहब की तस्वीर। ऐसा मतलब रेयरली होता है, और आगे अगर जाओगे आप तो वहां पर आपको एक बाबा साहब का बहुत प्यारा सा जो है इस फोटो मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार है, और उसी के नीचे भारत का संविधान की उद्देशिका लिखा हुआ है, देख रहे हो आपको वो, और वहाँ पर देखो बाबा साहब का फोटो है। यहाँ आते ही बिल्कुल दिल खुश हो जाता है, ऐसा लगता है कि हम अपनी खास जगह पर। और यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ है धम्म चक्र परिवर्तन दिन की 40वीं वर्षगांठ, धम्म चक्र परिवर्तन के बारे में लिखा हुआ है, और दूसरा यहाँ लिखा हुआ है तथागत बुद्ध की अमरवाणी। अरे 2 मिनट रुको भाई, बाबा साहब के प्यारे प्यारे बच्चों अंदर आओ, आपको बाबा साहब का खजाना दिखाते हैं। अगर आपको हमारी किसी भी तरीके से मदद करनी है तो हम डोनेशन नहीं लेते, हम एक वेबसाइट चलाते हैं tathagat.live, जहां पर बाबा साहब का पूरा साहित्य, हमारे बहुजन नायकों का पूरा साहित्य,
कैलेंडर, बुक्स, जो भी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा वो हमारी वेबसाइट पर है। आप अगर वहाँ से ऑर्डर करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपके घर तक आएंगी। बच्चों को ए से अम्बेडकर पढ़ाइए, का से काशीराम पढ़ाइए, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, हर भाषा में हम बाबा साहब का साहित्य बच्चों तक पहुँचा रहे हैं और मराठी भी। इसी के तहत हम युवाओं को अम्बेडकरवादी विचारधारा से जोड़ रहे हैं। अगर आपको बहुजन नायकों का कोई भी साहित्य खरीदना है तो आपको मिलेगा तथागत.live पर। तथागत.live डालेंगे, आपको वहां पर बहुत सारी किताबें खुलेंगी और वहां पर आप जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो वो आपके घर तक पहुंचाया जाएगा और हमको इससे काफी मदद मिलेगी।